नमस्कार सबको, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल के ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो अगावे प्लांट के ऊपर है कि इसकी केयर और प्रोपोगेशन हम कैसे कर सकते हैं। ये देखिए, मेरे पास अगावे की एक वैरायटी है। इसके लीव्स में थोड़ा सा येलो मार्जिन है साइड में। मार्केट में बहुत वैरायटीज़ में मिलता है। इसकी पहले केयर के ऊपर बात कर लेते हैं। हमारा अगावे प्लांट है जो एक डेजर्ट एरिया का प्लांट है। इसे वाटर जो रिक्वायरमेंट होती है बहुत ज़्यादा कम होती है। सनलाइट इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पसंद होती है और ये मेरा प्लांट है जो फुल डे सनलाइट में रहता है। इंडोर में भी आप इसको लगा सकते हैं, बस इंडोर में ये प्रॉब्लम है कि इसकी जो लीव्स हैं वो थोड़ी सैगी हो जाती हैं और इसकी लीव देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा स्टर्डी पड़ी हैं। और इस प्लांट की जो आपने सॉइल रखनी है वो भी बहुत वेल ड्रेनिंग रखनी है आपने, रेतीली मिट्टी टाइप रखनी है, ब्रिटल रखनी है। तो अब इसकी प्रोपोगेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे ये प्लांट अडल्ट हो जाते हैं थोड़े, तो इनमें ये देख सकते हैं आप साइड में ऐसे पप्स निकलने शुरू हो जाते हैं छोटे छोटे। ये जो प्लांट है ये भी मैंने ऐसे एक पप लगाया था। इसका मदर प्लांट था जो बहुत बड़ा हो गया था और उसमें से मैंने एक पप को निकाल के इसमें लगा लिया था। जैसे ही 2-3 महीने हो जाएंगे तो आपके प्लांट में से ऐसे पप निकलने शुरू हो जाएंगे। आपने इनको क्या करना है, पप्स को कलेक्ट करके यहाँ से आप काट के, जैसे आपको दिखाता हूँ मैं, इनको आप काट के अपनी किसी दूसरी पॉट में लगा सकते हैं। इसको मैं आपको काटने का बताता हूँ ढंग। या तो आप इसको ब्लेड से ऐसे ही काट लें आप, या फिर आप इसको निकाल सकते हैं अगर निकल जाए विद रूट्स, वरना आप इसको विदाउट रूट्स भी निकाल सकते हैं। तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए, आपने किसी शार्प ब्लेड से इसको बस ऐसे कट कर लेना है आपने और ये आप इस पप को ऐसे कलेक्ट कर सकते हैं। और जो इसकी ये देखिए, ये पप मैंने ऐसे कलेक्ट कर लिया है। ये प्लांट भी मैंने ऐसे ही पप से लगाया था, इस छोटे से पप से। 2-3 महीनों बाद इसने नए पप्स निकालने शुरू कर दिए हैं और इसकी आगे की वीडियो आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये देखिए, मैं उस मदर प्लांट से इस पप को कलेक्ट करके ले आया हूँ। आपने करना क्या है कि हमने जो कट लगाया था वो आप 45 डिग्री पे इसको शार्प कट लगाएं आप, और उसको आप 2-3 घंटे इसको ऐसे ही रख दें ताकि जो हमने कट लगाया था वो ऑटो हील हो जाए। तो उससे क्या होता है कि फंगस नहीं लगता है इसमें, जब प्लांट अपने आप हील होता है, अपने कट को हील करता है। अगर आप चाहें तो इस वाले कट पे आप रूटिंग हार्मोन यूज़ कर सकते हैं, आप किसी भी एंटी फंगल किसी यूज़ कर सकते हैं, आप अपने घर में हनी या सिनेमन पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मेरे पास एक फंगीसाइड है तो मैं इसको फंगीसाइड इस कटिंग पे एक बार फंगीसाइड लगा दूँगा। देखिए, बस ऐसे इसको थोड़ा सा अपने फंगीसाइड लगा देना है आपने। और आपने जो ये पॉट यूज़ करना है, आप छोटा पॉट यूज़ करें एक। ये देखिए, मैं जैसे 5 इंच का पॉट यूज़ कर रहा हूँ। हमेशा आप अगर किसी कटिंग को ग्रो करें तो उसके लिए एक छोटा पॉट लें ताकि उसकी जो रूट्स हैं वो पहले एक बार बहुत बढ़िया से ग्रो हो जाएं। और इसको आपने पॉटिंग मिक्स में आपने क्या यूज़ करना है, आपने 50% इसमें सैंड यूज़ करना है, 20% आप इसमें गार्डन सॉइल यूज़ कर सकते हैं और 30% इसमें आपने वर्मी कंपोस्ट डालना है। अगर आप चाहें तो इसको 50-50 वर्मी कंपोस्ट और सैंड की रेशियो में भी लगा सकते हैं। गार्डन सॉइल चाहे आप नहीं डालना चाहें तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, इससे आपकी जो सॉइल है वो बहुत ही वेल ड्रेनिंग बन जाएगी। देखिए, आपने क्या करना है, इस कटिंग को आपने 1.5 से 2 इंच ऐसे दबा देना है बीच में और इसको साइड से बहुत बढ़िया से प्रेस कर देना है। इसको आपने बस ऐसे करके लगा देना है और इसको एक बार बहुत बढ़िया से पानी देना है ताकि इसके जो पॉट के नीचे से पानी चला जाए। आपने इसको 15 से 20 दिन इसको बढ़िया शेडी एरिया में रखना है ताकि एक बार इस प्लांट की ग्रोथ हो जाए रूट्स की, तो इसे हम फिर धूप में रख सकते हैं। लेकिन इसको आपने एक बार क्या करना है, किसी शेडी एरिया में रख देना है और इस प्लांट को आपने बहुत कम हिलाना है। जैसे इस पे अभी कोई रूट्स नहीं है, अगर नई रूट्स जो फॉर्म होंगी और आपने इस गमले को हिलाया तो वो रूट्स डैमेज हो सकती हैं, इसलिए आपने इसको कहीं रख देना है जहाँ इस पे प्लांट की कोई हिलजुल ना हो। और इसकी जो अपडेट आएगी फर्दर, मैं वो आपको ज़रूर शेयर करूँगा। तो ये देखिए, हमारे अगावे प्लांट की कटिंग की अपडेट है। इसको 1.5 से 2 महीने हो गए इस प्लांट को। ये हमारा सक्सेसफुली है जो ग्रो कर गया प्लांट है ये। और आप बिलीव नहीं करोगे कि ये प्लांट अभी खुद इतना बढ़िया से डेवलप नहीं हुआ है और इसने यहाँ से अपने पप्स निकालने शुरू भी कर दिए हैं। ये देखिए, एक पप यहाँ से निकल रहा है और एक पप यहाँ से निकल रहा है। जब ये पप बड़े हो जाएंगे तो हम इन्हें भी ऐसे निकाल के प्रोपगेट कर सकते हैं, अपने प्लांट्स को मल्टीप्लाई करेंगे।
बातों का आपने ध्यान रखना है खाली कि इसको बहुत ज़्यादा इसको आपने बहुत लो मेंटेनेंस पे रखना है। अगर आप एक बिगिनर गार्डनर हो तो आपको ऐसे प्लांट्स को सिलेक्ट करना चाहिए जिनकी जो है मेंटेनेंस है वो बहुत लो हो, ताकि आपका जो है गार्डन जल्दी से जल्दी बड़ा हो। और इसको आपने फुल सनलाइट वाले एरिया में रख देना है आपके घर में, कहीं जहाँ मिनिमम 4 से 5 घंटे धूप आती हो। अगर आपने इसको अपने डेस्क पे रखना है या आप इंडोर एरिया में रखना है तो आपने क्या करना है, इसको हफ्ते में 2 से 3 घंटे आपने इसको फुल सनलाइट दे दें। आप इसको हफ्ते में 2, 3 या 5 घंटे आप मैक्सिमम इसको फुल सनलाइट वाले एरिया में रख दें, इससे जो इसकी लीव्स हैं वो स्टडी रहेंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया, मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो के साथ।